नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बच्चों में दिक्कत है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। सर, क्या सभी के लिए स्टेट जरूरी है? क्योंकि वहां पर साफ साफ मांगा गया है कि अगर आप कक्षा 9 और 10, 11 और 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास स्टेट पेपर 1 और 11 और 12 के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन जब एस्टेट 2019 के बाद 19 में आया था, उसके बाद से एस्टेट हुआ ही नहीं, तो क्या वो बच्चे जिनके पास अहर्ता कंप्लीट रख रहे हैं लेकिन एस्टेट पेपर नहीं क्वालिफाई है सब्जेक्ट से, तो क्या वो एप्लीकेबल नहीं है? इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती के प्राइमरी का तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा प्लस द्वारा निःशुल्क कोर्स चलाया जा रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर, सबसे बड़ी बात जो है कि आपके नोटिफिकेशन में सब कुछ साफ साफ जो लिखा है वही मैंने आपको बताया। जैसे कक्षा 9 और 10 और 11 12 के लिए कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ आयोग ने बहुत गलत किया है। गलत क्या किया है? गलत ये हुआ है कि जैसे अगर मैं बात करूं मैथ और साइंस की, यहां पर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस आप लोगों का कम कर देता हूं, है ना। मैथ और साइंस की अगर हम बात करें, क्लास 9th और 10th वाले में अगर हम बात करें, मैथ और साइंस में आपके अगर बच्चे के पास क्या है, बीटेक है, मैंने भी बात पहले भी मैंने एक वीडियो में बता रखा, बीटेक है, तो बीटेक के साथ साथ आपका यहां पर क्या होना चाहिए, आपको एस्टेट भी होना चाहिए, एस्टेट भी होना चाहिए प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप एस्टेट मैथ से दोगे, एस्टेट जो होता है एस्टेट पेपर 1, पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और ये जो है 2019 के बाद, मतलब जो बंदा इधर आपका अभी बीएड किया होगा 20-21-22 में, तो इधर तो आपका एस्टेट हुआ ही नहीं, तो वो तो इस मैथ से एस्टेट तो देगा नहीं, पास हुआ ही नहीं होगा। उसके पास हो सकता है बीटेक हो, वो बीएड भी हो, लेकिन एस्टेट ना हो। एस्टेट इसलिए ना हो क्योंकि इधर एस्टेट 2019 के बाद 19 में हुआ था, उसके बाद एस्टेट नहीं हुआ, वो मैं प्रमाण दिखाऊंगा आपको। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जो मैथ और साइंस के लिए सिर्फ बीटेक एलिजिबल है उसके लिए बीएड नहीं जरूरी है, अभी मैं दिखा देता हूं कि जो एस्टेट था उस सेम उसी की अहर्ता बिहार शिक्षक भर्ती में कॉपी की गई है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। और कुछ बच्चे जो 11th 12th में हैं, 11th 12th के जो क्लास में हैं, जैसे सोशियोलॉजी का हुआ ही नहीं, ठीक है, सोशियोलॉजी का हुआ ही नहीं एस्टेट, तो ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो 2019 के बाद आपके उनका एस्टेट नहीं हुआ है, तो क्या वो बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे? नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही है कि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उनके पास एस्टेट ही नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चे क्या करें? और यही बच्चे जाके आयोग पर हड़ताल कर रहे थे, धरना कर रहे थे, लेकिन कोई भी बात सुनी नहीं गई। तो आप लोगों को खुद, जो लोग बिहार से हैं, पटना जाकर आयोग के सामने इसका, आयोग से आरटीआई डालकर इसका कहीं ना कहीं एक तरह से बोला जाए विस्तृत जानकारी निकालिए कि आखिर जिनका नहीं हुआ है एस्टेट जिन विषयों का, वो छात्र क्या करें, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में डिटेल जो है जानकारी प्रदान करें। इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो इनका नोटिफिकेशन है यही कह रहा है कि बिना एस्टेट क्वालिफाई किए आप जो है कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हो। और जब रिसेंट में किसी भी सब्जेक्ट से एस्टेट नहीं हुआ तो इसका मतलब आप सब कुछ अहर्ता रखते हो, बस आपका सब्जेक्ट में एस्टेट नहीं क्लियर है तो आप बाहर हैं इस भर्ती से। ये जो है आपका एस्टेट का आया था नोटिफिकेशन, कब आया था? 2019, उसके बाद से 19 के बाद हुआ नहीं, और यह भी 19 वाला शायद एग्जाम लीक हो गया था तो रद्द कर दिया गया था जहां तक मुझे पता है। तो देखो, मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूं कितने इतने सब्जेक्ट के लिए आता है, ये 9 और 10 के लिए है और ये 11 और 12 के लिए स्टेट होता है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, और यहां पर पूरा का पूरा इतने पद के लिए हुआ स्टेट था ये। उसी समय इसी के बेसिस पर टीचर पहले नियुक्त होते थे, ठीक है, इसी के स्कोर पर। अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति, कंप्यूटर साइंस, देखो उसी समय कंप्यूटर साइंस के 1673 पोस्ट थे, और यह बताया जा रहा है कि ओवरऑल
अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में एसटेट पास करने वाले बच्चों की संख्या मात्र 17,000 है, ठीक है। चलिए अगर यहां पर देखो आहारता की बात किया जाए तो सेम चीजें हैं। अब अगर मैं पेपर वन की बात करूं यहां पर जो 9 और 10 के लिए होता है, यहां आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा 9 और 10 के लिए होता है, तो गणित के लिए देखो आहारता यहां पर दिया गया है ना, स्नातक स्तर पर गणित भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र विषय पठित हो एवं बीएड, मतलब गणित के साथ ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और इंजीनियरिंग के से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो एवं बीएड। यहां पर लिखा कि नहीं भैया, बीटेक के साथ बीएड मांग रहा है ना स्टेट के लिए, तब काहे कह रहे हो कि नहीं सर जी बीटेक के साथ बीएड नहीं मांग रहा है। यहां पर स्टेट भी देना है आपको पेपर वन 9-10 के लिए गणित का टीचर बनने के लिए, और एस्टेट तो मांग ही रहा है, यह भी मत कहो कि एस्टेट नहीं मांग रहा है हमसे। तो जब एस्टेट की क्वालिफिकेशन यह है कि बीटेक के साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीटेक के साथ बीएड होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो शिक्षक भर्ती है उसमें क्या कर दिया है, जो गणित वाले हैं उनके साथ ये सब्जेक्ट के साथ आपका पेपर क्वालिफाई मांग दिया है कि आपका जो एस्टेट है पेपर वन 9-10 के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और वो ये सब्जेक्ट हैं। हाँ, सब्जेक्ट ये हैं। अगर 2019 के बाद ये सब्जेक्ट पर एस्टेट हुआ ही नहीं तो अब उन बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है भाई, और ये आपका वो हो गया कौन से सब्जेक्ट, ये देखो कंप्यूटर साइंस का एस्टेट उसी समय आया था, ये एस्टेट पेपर टू का है, ये पेपर टू का है। इसमें भी देखो जो मांगा है आहारता वो सेम आपका जो मांगा गया है कंप्यूटर साइंस के लिए, वही आहारता मांगी गई है, अलग से कुछ नहीं मांगा गया है। यहां पर कहीं बीएड का जिक्र नहीं है, साफ साफ इसमें बोला है कि बीएड जरूरी नहीं है इसके लिए, ठीक। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि भैया आप लोगों के साथ सही ना कहीं गलत हुआ है। एस्टेट जब 2019 के बाद नहीं हुआ है तो जो रिसेंट में बच्चे बीएड किए हुए हैं वो तो किसी काम के नहीं हुए, मतलब कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके पास आहारता हुए। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप सभी लोग बिहार जो बीपीएससी है उनको आप मेल करिए, आरटीआई डालिए और पूछिए कि आखिर इसमें मेरी गलती तो है नहीं, जब बिहार एस्टेट हुआ ही नहीं उसके 19 के बाद, तो हम क्यों इस भर्ती से वंचित रह जाएं। उसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन हाँ, ये एकदम कंफर्म है कि जैसा नोटिफिकेशन लिखा गया है तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से 9-10 के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ, चाहे आप कोई भी विषय हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एस्टेट का पेपर वन क्लियर होना चाहिए। 11 और 12 के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए और एस्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत आपको हो सकता है, बस ये चीज आपका छूट जाता है। कंप्यूटर के लिए ये आहारता नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर के लिए आपका बीटेक वाला हो, वो भी सीएसआईटी है, बाकी के लिए अलग आहारता है, अदर ब्रांच के लिए और भी कुछ मांगा है, ठीक है। बीटेक सीएसआईटी है और आपका क्या हो, एस्टेट आपका पेपर क्या हो, 2 क्लियर है तब आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं कंप्यूटर साइंस पर विस्तृत जानकारी आप सभी को दूंगा। मेरा मुद्दा सिर्फ यहां पर यह था कि अगर एस्टेट 2019 के बाद कोई नोटिफिकेशन किसी सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो उन बच्चों का क्या होगा, इसका जवाब बीपीएससी को देना होगा और इसे क्लियरिफाई करना होगा कि आखिर वो बच्चे भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इससे काम नहीं चलेगा। तो आप लोग आरटीआई के थ्रू, आप जो वहां पे हों वहां जाके बीपीएससी में पता करिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में काफी समय है, तब तक आप कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हो सकता है बीपीएससी आपको ये जो भी डाउट किस हैं, एक तरह से जो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति में है, उसको क्लियर कर दे। तो जो भी समस्याएं हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट में जरूर करिएगा और मैं टीम परीक्षा प्लस कोशिश करेगी कि आपका जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाए, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं
प्राइमरी लेवल की, तो टीम परीक्षा प्लस एकदम निःशुल्क कोचिंग दे रही है, आप यूट्यूब के थ्रू और परीक्षा प्लस ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।